नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं अभी उड़ीसा में एक नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी है उसके बारे में, यानी अभी हाल ही में OSSSC रेडियोग्राफर रिक्वायरमेंट 2021 के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि OSSSC रेडियोग्राफर का आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, उड़ीसा रेडियोग्राफर का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उड़ीसा रेडियोग्राफर का आपका सिलेबस क्या होगा, उड़ीसा रेडियोग्राफर की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट होनी है वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में, उड़ीसा SSSC रेडियोग्राफर भर्ती 2021 नोटिफिकेशन। ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग यानी OSSSC ने ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेडियोग्राफर के पदों के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने रेडियोग्राफर के 200 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 7 जनवरी से 30 जनवरी 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से OSSSC में OSSSC रेडियोग्राफर वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम OSSSC रेडियोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे कि आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी OSSSC रेडियोग्राफर की वैकेंसी डिटेल क्या है। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में बात करें तो इसमें जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 103 पोस्ट है, जिसमें से 42 पोस्ट है वो वुमेन के लिए है। SE BC के लिए 18 पोस्ट है टोटल, वुमेन के लिए 2 पोस्ट है वो रिजर्व है। इसमें SC के लिए 26 पोस्ट है, वुमेन के लिए इसमें 3 पोस्ट है। ST के लिए 53 पोस्ट है, जिसमें से वुमेन्स के लिए 11 पोस्ट है। तो टोटल आपकी 200 पोस्ट है और 200 पोस्ट के लिए क्या है, इस भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी OSSSC भर्ती रेडियोग्राफर भर्ती के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उम्मीदवार द्वारा ओडिशा सरकार से मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद से 10+2 साइंस से, यानी आपकी 12वीं क्लास वो साइंस से पास हुआ होना चाहिए, और आपके पास क्या है, चिकित्सा विकिरण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो आप 12वीं पास होना चाहिए, साथ में आपके पास अगर चिकित्सा विकिरण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष हो सकती है और मैक्सिमम आपकी 32 वर्ष हो सकती है। 21 से 32 वर्ष आपकी आयु सीमा हो सकती है, अगर आपकी आयु 32 वर्ष से अधिक है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। चलिए बात कर लेते हैं रिपोर्टेड डेट के बारे में। रिपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं उड़ीसा रेडियोग्राफर के, कब हो रहे हैं, 7 जनवरी से। लास्ट डेट है फीस जमा करवाने की 30 जनवरी है, और लास्ट डेट टू सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी वो है 6 फरवरी, यानी आपको 6 फरवरी से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो जमा करवा देना है। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर बात करें तो अनरिजर्व और OBC के लिए 100 रुपये आपकी फ़ीस है, ST SC और PWD के लिए आपकी कोई फ़ीस नहीं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका भरा जाएगा। और आपको ये फीस का भुगतान वो कैसे करना है, ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं ओडिशा रेडियोग्राफर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ये आपकी टोटली रिटर्न एग्ज़ाम पर क्या है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आपके ये मार्क्स ऑन एक्सपीरियंस है, ये आपका एक स्किल टेस्ट होगा, साथ साथ उसमें ही ऐड कर दिया जाएगा। यानी आपका अगर बात कर लेते हैं ओडिशा रेडियोग्राफर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो आपका सिलेक्शन है वो रिटर्न एग्ज़ाम के आधार पर ही किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं OSSSC रेडियोग्राफर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट
एज पर सिलेबस ऑफ डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी, यानी मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी में जो आपके पास डिप्लोमा है उससे 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के आएंगे। तो अब बात कर लेते हैं दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा आपका फिर 25 नंबर का एक स्किल टेस्ट होगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल टू एक्सेस द रियल प्रैक्टिकल स्किल ऑफ द कैंडिडेट्स। तो आपके 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। द अर्थमेटिक ऑफ HSC स्टैंडर्ड, यानी 10वीं बेस पे आपका मैथ आएगा 10वीं तक का, 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के होंगे। इंग्लिश ऑफ HSSC स्टैंडर्ड, तो इसमें आएगा आपका 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। तो इसलिए टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसमें इंपोर्टेंट डेट के, इंपोर्टेंट बात के बारे में। तो इसमें 4 खंड होंगे, यानी 4 सेक्शन होंगे इस पेपर में। ओडिशा HSSC रेडियोग्राफर परीक्षा 2021 में, और 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों के होंगे। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, यानी ओमर बेस्ट होगा। पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, यानी सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सर सर क्या रेडियोग्राफर, ओडिशा रेडियोग्राफर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है? जी बिल्कुल है, इसमें आपके 0.25 अंक काटे जाएंगे एक क्वेश्चन गलत होने पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अब इसमें मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी सिलेबस के बारे में। तो इसमें से कौन कौन से टॉपिक आएंगे? ह्यूमन एंटोमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ मेडिकल इमेजिंग एंड रेडियोग्राफी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी हेल्थ केयर, फाउंडेशन इंग्लिश, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, बेसिक रेडिएशन फिजिक्स, ह्यूमन एंटोमी प्रैक्टिकल, ह्यूमन फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल, फंडामेंटल ऑफ मेडिकल इमेज एंड रेडियोलॉजी प्रैक्टिकल, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल। तो ये नहीं, आगे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आएंगे इसमें सारे। बेसिक ऑफ कंप्यूटर प्रैक्टिकल, एडवांस रेडियोग्राफिक टेक्निक्स, रेडिएशन फिजिक्स एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन, इक्विपमेंट ऑफ रेडियोग्राफी, स्पेशल रेडियोग्राफिक टेक्निक एंड प्रोसीडर, ओरिएंटेशन इन पैरा क्लिनिकल साइंस, इंग्लिश कम्युनिकेशन। इसके अलावा अगर बात करें तो एडवांस रेडियोग्राफिक टेक्निक प्रैक्टिकल, स्पेशल रेडियोग्राफिक टेक्निक एंड प्रोसीजर प्रैक्टिकल, रेडियोग्राफी प्लानिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, इक्विपमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस, इंटरवेंशनल रेडियोग्राफी एंड ड्रग्स यूज इन डायग्नोसिस रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी एंड बायो ब्राथेरेपी टेक्निक इन मिलिगेंट एंड नॉन मिलिगेंट्स डिजाइज, ओरिएंटेशन इन क्लिनिकल साइंस, रेडियोग्राफी प्लानिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रैक्टिकल। आगे आपकी वापस ये प्रैक्टिकल से संबंधित पूछे जाएंगे। इक्विपमेंट ऑफ रेडियोग्राफी डायग्नोसिस प्रैक्टिकल, इंटरवेंशनल रेडियोग्राफी एंड ड्रग यूज इन डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी, ये प्रैक्टिकल। तो इससे आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके टॉपिक, इनको अच्छी तरह से आपको तैयार कर ले लें। चलिए बात करते हैं ओडिशा रेडियोग्राफर अर्थमेटिक सिलेबस आपका क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, सर्ड्स, सम ऑफ एंट्रम, इंटीजर, जियोमेट्रिक सिक्वेंस, फंडामेंटल थ्योरम, फ्रैक्शन टू डेसिमल, वेरिएबल नंबर लाइन, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन एंड ऑड नंबर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइजेशन, डेसिमल, कंपेयरिंग फ्रैक्शन, परसेंटेज, इवन एंड ऑड नंबर, वर्ड प्रॉब्लम ऑन डेसिमल, इंटीजर ऑन ए नंबर लाइन, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपका जो आपका 10वीं का सिलेबस होता है यानी HSC का, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से। चलिए बात करते हैं इंग्लिश का। तो OSSC रेडियोग्राफर इंग्लिश सिलेबस आपका क्या होगा? तो इसमें आपसे पूछा जाएगा एंटोनिम्स, एरर करेक्शन, एक्टिव पैसिव वॉइस, सपोर्टिंग एरर, पैरा कंप्लीशन, इडियम एंड फ्रेज, पैसेज कंप्लीशन, सिनोनिम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर करेक्शन, प्रीपोजिशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, जॉइनिंग सेंटेंस, सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश में, जिसमें शायद आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के। तो इनको अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा रिटर्न एग्जाम के बेस पे,
तो आपकी सैलरी क्या होगी? तो चलिए बात कर लेते हैं OSSC रेडियोग्राफर सैलरी के बारे में। तो बहुत अच्छी सैलरी है इसमें, रेडियोग्राफर की पोस्ट है ये। स्केल ऑफ पे एंड पे मेट्रिक लेवल आपका क्या लगेगा इसमें? आपके लगते ही 25,500 रुपये से शुरू होगी सैलरी इसमें, और 81,100 रुपये तक आपका प्रमोशन होते होते इसमें सैलरी हो जाएगी। इसमें मेट्रिक लेवल 7 लगेगा, सेल 01 आपकी इसमें कोड लगेगा। कंसोलिडेटेड मंथली रिमोनस्ट्रेशन आपका होगा रिवाइज, वो होगा 95,000 रुपये। तो बहुत अच्छी सैलरी है इसमें, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। तो ये तो थी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि उड़ीसा में रेडियोग्राफर की भर्ती निकली हुई है, और उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि इसकी सैलरी क्या है, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आशा करता हूँ मैंने जो आपको जानकारी दी आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।